पार्टी करनी है तो यहाँ पैग रख लो, बोतल रख लो इधर की तरफ। रात थी बहुत भयानक थी, रात मतलब बुरा हाल था। रात हमारी जान बचा ली बीआरओ वालों ने, वरना हमारा काम हो लेता रात। तो टेम्परेचर इतना डाउन है यहाँ पे ना, काम करना बंद कर दिया कैमरे ने। और गाड़ी पीछे तो निकाली है बड़ी मुश्किल से, अभी बाहर आ जाए एक बार बस। पीछे भी बहुत लंबा रास्ता है, ऊपर से ठंड है। तो कैमरा ना एकदम डाउन हो जाता है, और ये मैंने ऑफ रोडिंग पे उधर घुसा ली थी उस बर्फ में, और आगे गई नहीं। फिर मैं मका भाई निकालो बाहर, जैसे तैसे करके मुश्किल से निकाली। अब देखते हैं सचिन भाई आगे कहीं जगह पहले। तो सो गाइज वेलकम बैक टू चैनल। बाहर आ गए तब मैं इसलिए वेलकम बैक टू चैनल कर रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा वहाँ फंस गए थे हम। तो कैमरा ना बार बार बंद हो रहा है, बात कर रहा हूँ बीच में कट जा रहा है, छोटी छोटी क्लिप बन रही है। लेकिन अभी मैंने एक जुगाड़ देखा है कि अगर काम करता है तो। अब हम आगे निकल गए, अब देखते हैं रुकने का जुगाड़ कहीं हम, क्योंकि आगे सिंकुला टॉप है और वहाँ पे रुकने का कुछ जुगाड़ होगा नहीं। बहुत खतरनाक वो है, मतलब ब्लैक आइस है रास्ते में, ब्लैक आइस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने हीटर चलाया गाड़ी का सो दैट अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा, और मेरा कैमरा चलता रहे, वरना मेरी कोई ब्लॉगिंग ही नहीं होगी इस बार लगता है। आगे का जो एडवेंचर मैं देखना चाह रहा हूँ वो दिखाऊँ नहीं पाऊंगा, देख तो लूंगा। एडवेंचर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। तो अभी बताया एक तो दिन छिप गया, पूरा अंधेरा होने वाला है और हमें अभी तक जगह नहीं मिल रही, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। अब डर भी लग रहा है थोड़ा, सच बता रहा हूँ अभी डर लग रहा है, इतना एडवेंचर भी ठीक नहीं। डर इसलिए लग रहा है कि कहीं जगह नहीं मिली, कहाँ रुकेंगे ऐसे में, कहाँ पे मतलब गाड़ी लगाने को तो एटलीस्ट जगह मिल जाए, कोई आड़ हो ऐसी, और गाड़ी को फिर ठंड में स्टार्ट भी करना है। ऊपर से कैमरा काम नहीं कर रहा, फ़ोन खैर चार्ज कर लेंगे, हमारे गाड़ी में उतने वो तो है सामान सारे, सोना भी आज गाड़ी में ही होगा हमारा क्योंकि बाहर कुछ मिल नहीं रहा। अब देखो हीटर लगा के ना थोड़ा रिलीफ मिला है, टेम्परेचर माइनस 16 दिख रहा है, -16 टेम्परेचर अभी है, तो रात में कितना जाएगा। ओए होए, और नजारे वाह, सच में मजा ही आ रहा है, मजा ही। अब कैमरे ने थोड़ा काम किया है, कैमरे को मैंने हीटर के आगे रखा और थोड़ा सा चार्ज किया तो उसको ना हल्की सी हीट मिली, वरना इसने हाथ धो दिए थे मेरे कैमरे ने आज। अब यार कहाँ तक पहुँचेंगे, सिंकुला टॉप तो रात में क्रॉस हो नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे, इम्पॉसिबल है वहाँ, आइस जम जाती है। और अगर उससे पहले कुछ रुकने को मिल जाए हमें एटलीस्ट। तो यहाँ पे ना बीआरओ का ऑफिस है, इनसे एक बार पता करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे हम रुक जाएं क्या, क्योंकि कुछ और दिख ही नहीं रहा और बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, लाइट ऑन कर रखी है। तो नहीं दिख रहा है, सीधा ऑफिस में ही घुसा रहा है रास्ता। हाँ ऑफिस में नहीं है ये, यहीं कहीं रोकेंगे अभी। हाँ ये अभी शायद क्लोज है अभी का BRSMS, यहाँ गाड़ी लगा लेते और पूछते। तिरंगा देखो कैसे फहरा रहा है। तो जी लाइट में दिख नहीं रहा कुछ भी, अच्छी चीज़ ये हो गई कि ये यहाँ पे बीआरओ का कैंप है, इनके पास मैस वगैरह है तो चाय वाय आराम से मिलेगी। और इन्होंने बोल दिया जो अफसर है उनसे बात करी कि आप अपनी गाड़ी लगा लो इधर, तो हमने सोचा यहाँ गाड़ी अपनी लगा के और आराम से रात यहाँ गुजारेंगे आज। और ये देखो चारों तरफ के नज़ारे, अभी भी धूप है ऊपर पहाड़ों पे, बाकी सुबह निकलेंगे आराम से। तो आज रात कैसी गुजरने वाली है, गाड़ी में सोना पड़ेगा हमें क्योंकि रूम वूम तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वो सारा एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाले इस वीडियो में आगे। चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ वापस, ठंडे बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा अभी। बीआरओ कैंप है ना सर? हाँ तो ये बीआरओ का कैंप है, यहाँ पे कौन सा नंबर है? नहीं 18 नंबर और आगे है क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो सर ने मुझे हमें यहाँ पर परमिशन दे दी है
कि इधर ही आप गाड़ी लगा लो। तो अभी हम सेटअप कर रहे हैं अपना गाड़ी में सोने का, कैसे कर रहे हैं वो भी बताते हैं। थोड़ा ये हमने सीट आगे करनी पड़ेगी। तो सामान सारा अपना लगा दिया आगे, उधर की तरफ रख दिया, इधर रख दिया ये, और गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ेगी पूरी रात। स्टार्ट होने के बाद भी ना टेम्परेचर हाफ से नीचे हो गया है, और सोने का अपना बनाया है हमने ये सीट फोल्ड कर दी अपना, वही जुगाड़ जो मैंने एक बार बताया था। तो ये अपना पूरा पीछे सोने का बना दिया, इसमें दो लोग आराम से सो जाएंगे, टांगे मोड़नी पड़ेंगी, पर ठंडे टांगे मोड़ के ना काम चल जाएगा। तो ये बन रही है अपनी सब्जी इधर, और आज का खाना हमारा हो रहा है बीआरओ वालों के साथ में। तो ये इधर खाना बन रहा है, देखो एक भाई साहब इधर बैठे हैं और एक भाई साहब अपने पीछे बैठे हैं। आज यहीं पे हम खाना वाना भी खाएंगे, और कुक तो गाड़ी में रहे अंदर, तो खाने का थोड़ा टेंशन हो रहा था कि किधर बनाए। फिर सोचा कि चलो इनके यहाँ पे आराम से यहीं पे खा लेते हैं, बोले कि यहीं पे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ना गाड़ी हर थोड़ी थोड़ी देर में स्टार्ट करनी पड़ रही है, सो दैट डीजल इसका जमे, और मुझे हो गई हाँ। तो बोल के गए थे मुझे एक अपने इसी के बंदे ड्राइवर हैं कि जी रात में जो है गाड़ी स्टार्ट करते रखना, बंद ही मत करना, पूरी रात स्टार्ट रखो, खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं आज, और गाड़ी रखते हैं स्टार्ट पूरी रात। तो आज ना गाड़ी पूरी रात स्टार्ट ही खड़ी रख रहा हूँ यहाँ पे, और ये अब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ क्योंकि गोप्रो का हो गया काम यहाँ पे। काम क्या गोप्रो ने ना अभी वो ठंड में काम करना बंद कर दिया, उसकी बैटरी पता नहीं दिक्कत कर रही है, तो अभी मोबाइल से कर देते हैं उतनी देर। गाड़ी की साउंड देखो बिल्कुल नहीं आ रही, ये लो बोलते हैं साउंड बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट है भी नहीं। तो अभी गाड़ी कर रखी है स्टार्ट, और ये देखो टेम्परेचर बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। डीजल मेरे पास अभी इतना है, वैसे 62 किलोमीटर हम चले हैं तो थोड़ा सा तो कम हुआ है, पर रात में मुझे लग रहा है ये यहाँ से ना यहाँ आ जाएगी सुई। खैर चलो जो भी होगा देखा जाएगा। आगे पदुम में पेट्रोल पंप है, ये इस तरह की सेटिंग करी है कुछ, सारा सामान अपना गोप्रो लगा रखा है चार्जिंग पे, देखूँगा इसको अंदर हीटर के अंदर काम कर दे सही से तो रहेगा। ये कुछ सामान मैंने यहाँ पे भर दिए, पानी की बोतल यहाँ पे है सब, तो पानी उनी जैसी पीने की जरूरत होगी कि यहाँ से उठाते रहेंगे, सुबह को फिर सेट करेंगे और फिर निकलेंगे। तो ये कुछ सेटअप बैठ गया अपना इस तरह का। तो जी अपना हो गया ये बिस्तर उस्तर सेट पूरा, ये ब्लैंकेट हो गए, ये अपना इधर से हो जाएगा, थोड़ा टांगे मोड़ के सोना पड़ेगा, अपना बैग इधर आ गए आगे की तरफ पूरा यहाँ से हो गया है। ये अच्छी चीज़ है कि सेफ खड़े हो गए हैं एक कोने में अपने, तो कितनी टेंशन वेंशन नहीं है, और गाड़ी गर्म अभी भी नहीं हो रही, अब हल्की हल्की होनी शुरू हुई है, डीजल वाली सुई अभी यहाँ थी वहीं दिखा रही है, तो ये तो चलो चलता रहेगा अभी, रात भर का मामला है, देखते हैं नींद कैसी आएगी। वैसे ये देखो जगह तो काफ़ी अच्छी बन गई, दो जने आ जाएंगे, लो घर जैसा होटल जैसा तो नहीं है, पर ये है अपना भाई काम चलाने के लिए ठीक जुगाड़ है कहीं पे इमरजेंसी में। तो आज जो खाना खाया है ना इतना टेस्टी खाना कभी नहीं लगा सच में, बहुत टेस्टी खाना बना था, और सब्जी बहुत टेस्टी लगी, आराम से दो रोटियाँ खा के अब आराम कर लेते हैं हम भी, और रात में कुछ सिचुएशन वगैरह बिगड़ती है तो देखते हैं बताते रहेंगे। तो जी खाना खा के सचिन भाई भी आ गए वापस, और बाकी सेटअप तो मैं पूरा दिखाई दिया आपको, जबरदस्त सेटअप, और ये वाला सेटअप नहीं दिखाया था मैंने आपको, वर्क फ्रॉम होम करना है यहाँ पे अपना लैपटॉप भी रख लो, पार्टी करनी है तो यहाँ बैग रख लो, बोतल रख लो इधर की तरफ, जब पार्टी फिनिश हो जाए अपने ऊपर कर दो तो ये भी बहुत मस्त चीज लगी। तो आज फुल नाइट मस्ती होने वाली है, मस्ती कैसी वाली होने वाली है, अरे आपको एक बात और बताऊं,
आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है भाई की। और ये भाई साहब आज मैरिज एनिवर्सरी देखो कहाँ और किनके साथ बनानी पड़ रही मुझे मतलब देखो मेरी हालत। चलो खैर हंसी मजाक आज खूब चलेगा। तो रात पूरी रात स्टार्ट रखी है, अभी टाइम हो रहा है 7:15। ओहो टैंक आया है हाफ से ऊपर है थोड़ा, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 10 लीटर के आसपास गया है डीजल, और ऐसे ही चल रही है पूरी रात। अगर बंद कर देते तो फिर ये बंद नहीं होती। चलो अब देखते हैं करते हैं आगे चलने का दिमाग, पहले थोड़ा रेस्ट रेस्ट हो लेते हैं। और अपन सोए थे पीछे, ये देखो सचिन भाई तो अभी भी सो रहे हैं मस्ती में, फुल मजे ले लेके सो रहे हैं ये तो। तो अब इसको सेट करते हैं दोबारा से जैसे थी। रात की जो रात थी बहुत भयानक थी रात, मतलब बुरा हाल था, ठंड इतनी ज़्यादा, ऊपर से हमने हीटर वीटर चलाई जैसे, तो अंदर जो है घुटन हो रही थी। शीशे कांच खोल रखे थे वैसे इतने इतने सारे हमने, ये वाले इतने खोल रखे थे, मगर फिर भी ना बहुत बुरी हालत हो रही थी, उल्टी आने को हो रही थी बीच बीच में। और अभी सेट करते हैं पहले इसको, अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी है कि देखते हैं, क्योंकि दिन निकल आया तो थोड़ी देर में शायद स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर में, गर्म तो थी अभी तक। और यहाँ से अभी सामने के नज़ारे हैं कुछ इस तरह के, ठंड अभी बहुत है, हाथ ना बिल्कुल कटने को तैयार है, ये देखो इधर। तो अभी पहले गाड़ी सेट करते हैं एकदम, रात हमारी जान बचा ली बीआरओ वालों ने, वरना हमारा काम हो लेता, रात बचते नहीं अगर कहीं अलग जगह पर होते, तो हम यहाँ पर रुक गए तो बहुत अच्छा हो गया। तो बंद की थी गाड़ी अभी, अब दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार सेल्फ ले लें, ज़्यादा देर नहीं हुई, हो गई। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे सामने, चैलेंज था एक ये, उन्होंने रात बोल दिया था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जम जाएगी सेंसर वगैरह सारे इसके, अगर आपने रात में ये बंद रख दी तो। और डीजल भी हमारी गाड़ी में क्या नॉर्मल है, हमने कोई ये वो देखो चाय पी रहे हैं मस्ती से, तो हमने कोई इसमें जो स्पेशल विंटर डीजल आता है वो नहीं डलवाया, या कुछ उसके लिए एक अलग से लिक्विड डालना होता है वो नहीं डाला था। तो कोई इधर आ रहा है तो उसे डाल के लाए ज़रूर। चलो फिलहाल एक एक चाय पीते हैं इनके साथ में, और अलग एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल। हाँ टेम्परेचर रात लगभग था -30 के आसपास, 30 या 40, फ़ोन काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो बुरी वाली हालत थी। अब खुद सोच सकते हो जमे पड़े हैं सब, जो भी बाहर पानी है ना सब जमा पड़ा है, ये टैंक को बैंक है ना इनके, सबके पानी जमे पड़े हैं। हमारी बोतलें बच गई पानी की, उसका रीजन है हीटर चल रहा था गाड़ी का अंदर, ये अभी मैंने बंद किया है, ये रात भर से हमने हीटर चला के रखा है, जिससे कि हमें ना थोड़ी सर्दी कम लगी, सफोकेशन बहुत ज़्यादा लग रही थी। हाँ चलो जो भी था, एक रात ऐसी थी कि जिंदगी में दोबारा नर जी में ऐसी रात, यार बहुत बुरी हालत हुई है।